भाई बात आगे बढ़ने से पहले ही बात को ऑफिशियल्स की तरफ से खत्म कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप प्राइवेसी के ऊपर, क्या आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है। आज सुबह हम लोग उठे हैं और हमें जो है वो व्हाट्सएप की तरफ से कुछ अपडेट्स देखने को मिल गई हैं और मैं आज वो अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि व्हाट्सएप ज़्यादा सिक्योर हो गया है। आप अपनी सिक्योरिटी को कैसे मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को कैसे आप लोग ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं, अपनी कॉल्स को, अपने डेटा को। सो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप यूज़र हैं और आगे नेक्स्ट फ्यूचर में भी सिक्योर व्हाट्सएप यूजर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि व्हाट्सएप प्राइवेसी को वाकई में लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों मेरा नाम है हुमायूं अली और आप देख रहे हैं इन डेप्थ रिव्यूज। आज सुबह जैसे ही मैं उठा हूँ मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और मतलब मैंने स्टेटस देखना शुरू किए और हर एक जगह पर जो है व्हाट्सएप की बात चल रही थी कि अपडेट आ गई है। तो मैंने जैसे जो है वो व्हाट्सएप के ऑफिशियल्स पर गया तो वहाँ पर जाके मैंने जो है वो पढ़ा के भाई हाँ मतलब आ गई अपडेट, मतलब कि वाकई जो है चेंजेस आ गए हैं और आप लोगों के लिए चेंजेस आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पर भी इस तरह की जो है वो अपडेट शेयर करता रहता हूं। यहां पर बात करेंगे व्हाट्सएप के रिलेटेड, व्हाट्सएप की प्राइवेसी का। आप लोगों को पता है कि जैसे भाई एक शोशा उड़ा हुआ था पाकिस्तान में कि वो हमारे मैसेजेस लीक कर दिए जाएंगे, फेसबुक के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप ने यहां पर क्लियरली बोल दिया है 100% कि भाई हम आपका डाटा जो है वो व्हाट्सएप का फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये जस्ट रूमर्स हैं जो कि आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं और मतलब ये इनको हाइप मिल रही है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ जो है वो चेंजिंग्स आई, लेकिन व्हाट्सएप ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ना तो वो आप लोगों के मैसेजेस को जो है वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, इवन दो के वो उनके पास भी नहीं रहेंगे, ये सिर्फ आपके और आप जिसके साथ चैट कर रहे हैं उसके साथ जो है वो मैसेजेस रहेंगे। आप इनको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे, इसका डाटा किसी के पास भी नहीं रहेगा, ना ही व्हाट्सएप के पास ना ही फेसबुक के पास, ये जस्ट आपका डाटा है। दूसरा, ना तो वो आपकी कॉल लॉग्स को जो है वो अपने पास रखेंगे, ना ही वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, ना तो वो आपके सिग्नल स्ट्रेंथ, ना ही आप लोगों का वाईफाई, कोई आप लोगों की जो है वो इस तरह की चीज़ को नहीं देखा जाएगा। चौथा भाई, आप लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है वो किसी फेसबुक के साथ या किसी भी सोशल ऐप एडवर्टीजमेंट के लिए शेयर नहीं किया जाएगा। पाँचवा भाई, मोर सिक्योरिटी, समझ रहे हो, अगर आप लोगों को अपने मैसेजेस को ज़्यादा सिक्योर करना है तो यहाँ पर आप लोगों को डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऑन कर लेने चाहिए। अब ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस क्या हैं कि आप लोग मैसेज करेंगे चैट पे और चैट में मैसेज के साथ साथ वो मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। आप लोगों को जो है वो मतलब यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आने वाली कि आप लोगों का मैसेजेस किसी के पास गए तो नहीं या वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की आप चैट भी जो है वो कर सकते हैं। डिसअपीयरिंग मैसेजेस के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कैसे आप लोगों को मेथड यूज़ करना है कि व्हाट्सएप में जाके आप लोगों को किसी भी चैट के ऊपर क्लिक करना है, मोड के अंदर जाकर आप लोगों को डिसअपीयरिंग मैसेजेस को ऑन करना है। सो इससे आप लोगों के मैसेज जो है वो सेव नहीं होंगे और साथ साथ डिलीट होते जाएंगे। एक और बड़ी चीज़ जो है व्हाट्सएप की तरफ से मिली है, अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को अभी भी नहीं यकीन तो आप लोग अपने अकाउंट्स में जाएं, अपनी सेटिंग में जाएं, अकाउंट्स में जाएं और जाके अपना रिक्वेस्ट डाटा इन्फो कर लें। अब इससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो देख सकेंगे कि आपका डाटा किस किस के साथ शेयर किया गया है और आप लोगों के अकाउंट का डाटा क्या क्या फेसबुक और व्हाट्सएप ने जो है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। सो ये एक बड़ी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा डाटा यार कहीं गया ना हो तो आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर लें और अपना देख लें कि आपका डाटा शेयर हुआ है या नहीं हुआ, वहाँ पर आप लोगों को क्लियरेंस रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों के व्हाट्सएप की। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि व्हाट्सएप भाई व्हाट्सएप ही है, तो आप लोगों को डराने की या घबराने की या कोई इस तरह के चक्कर कोई मतलब पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का व्हाट्सएप जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट भाई बता दिया गया कि 100% आप लोगों की चैट सिक्योर है। सो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन से भी प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। सो मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।